नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यूट्यूब फ्रेंड महानंद ध्रुव। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि Redmi Note 8 पर सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है, इसे कैसे अपडेट करना है और हमें इस अपडेट से क्या क्या पैकेज मिला है इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन की होम स्क्रीन को ओपन करना होगा। होम स्क्रीन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग की पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अबाउट फ़ोन पर एक बार टैप करना। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम अपडेट करने के लिए सिस्टम अपडेट पर एक बार टैप करना है। सो फ्रेंड्स, इस पर अगर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ मैं अपने मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे मोबाइल फोन का MIUI वर्जन 11.0.6.0 स्टेबल दिखाई दे रहा है। यदि आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर MIUI वर्जन 11.0.5.0 स्टेबल दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने मोबाइल फोन को सिस्टम अपडेट और रिपोर्ट कर लेना। सिस्टम अपडेट से हमारे मोबाइल फ़ोन की फीचर्स पर क्या क्या बदलाव हुआ है या फिर नहीं, इसे पता करने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन को ओपन करते हैं। सिस्टम अपडेट से हमारे मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। पहले आप मोबाइल फ़ोन के साथ आए एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, अब आप किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी एक एप्लीकेशन को लंबे समय तक प्रेस करना और यहां पर ऐप इन्फो पर एक बार टैप करना। सो फ्रेंड्स, इस पर अगर आपके सामने न्यू इंटरफेस जो ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल पर एक बार टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके पर टैप करना। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से एप्लीकेशन हट चुका है। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पर अपडेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड लाते रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही यार। जय हिंद, वंदे मातरम।